मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 84 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। उचहरा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम महाराजा रामदेव सिंह जूदेव स्टेडियम उचहरा में विधायक नागेंद्र सिंह जूदेव के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने किया। सामूहिक विवाह में जनपद पंचायत उचहरा के विभिन्न क्षेत्रों से आए 62 जोड़ा पर्णसूत्र में बंधे, तो वहीं नगर परिषद क्षेत्र से 22 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। गौरतलब है कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 84 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वहीं पूर्व मंत्री एवं नागौद विधायक नागेंद्र सिंह जूदेव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गरीब बेटियों के हाथ पीले करने की चिंता मध्य प्रदेश सरकार को उनके जिम्मे में है। इस योजना में 11,000 रुपए की राशि चेक के माध्यम से प्रदाय की जाती है एवं 38,000 का उपहार सामग्री दिया जाता है। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत नगर परिषद क्षेत्र के 22 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक एवं जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा नवविवाहित दंपतियों को शुभ आशीष प्रदान करते हुए 11,000 रुपए की राशि का चेक दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष राम खेलावन कोल, जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजू भागवेंद्र सिंह, एवं निकाय अध्यक्ष रंजन प्रजापति, जिला पंचायत सदस्य बिमला मौसी आदि लोग उपस्थित रहे। और गोश्रमे के लिए चेहरा से दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। से संघर्ष करते बिता देते हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनको हमको स्वतः झेलना पड़ता है, और बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जिनमें हमें सहायता सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। आपने देखा होगा कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर पग पग पर हमारे सामने कोई चुनौती आती है। सबसे पहली चुनौती तो हमारे सामने आती है पेट भरने की, भूख को पूरा करने की। हम सब प्रयास कर रहे हैं अपने मेहनत से कम इतना उपार्जन कर सके कि हम अपना अपने परिवार का पेट भर सके। व्यवस्था बनाई थी कि हम सामूहिक विवाह करेंगे, वधु को हम शासन की ओर से कुछ राशि और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। एक एक करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्च हो सकता है, उतना सही राशि हमारे पास उपलब्ध ना हो, तो ये निश्चय किया गया कि हम सामूहिक रूप से किया जाएगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। मुझे बताया गया है कम से कम 50-60 ऐसे दंपति जीवन में प्रवेश करने वाले लोगों का आज यहाँ पर विवाह का आयोजन है, ताकि हम और शासन आपके जो थोड़ा बोझ है हम उसको उतार सके, उसमें से ये भाग्य बन सके। और आज इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। अभी यहाँ पर पूर्व वक्ता बता रहे थे, जो अधिकारी भी हैं इस विभाग के, कि पूर्व में जो राशि उपलब्ध होती थी आप सब लोगों को, उसमें भी वृद्धि की गई है, सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। और आज यहाँ का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जब ऐसा आयोजन हुआ करता था उतना उत्साहित उत्साह नहीं दिखता था, आज यहाँ पर काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। इस प्रकार का उत्साह देखने में हमें भी आनंद आता है और हमें खुशी हो रही है। मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद। और माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा, तमाम अतिथियों की उपस्थिति में नव विवाहित जोड़ों को, सभी जितने भी जोड़े हैं यहाँ पर, उन्हें 11,000 रुपए का खाते में ट्रांसफर। और नागौद माननीय श्री नागेंद्र सिंह जूदेव जी के, और माननीय जिला कलेक्टर महोदय अनुराग वर्मा जी, जिला पंचायत